बहुत हो चुका ड्रामा, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जलेबी की तरह से घुमाइए मत। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि इसमें बड़ा नेता मुख्यमंत्री का बेटा है, बेबी पेंगुइन है, कौन नहीं जानता है। उसी को बचाने के लिए सारा कुकर्म किया जा रहा है, सारा पाप किया जा रहा है, सारा अत्याचार किया जा रहा है। सत्ता आम जनता देती है, ये ऐसा ये पता होना चाहिए। यह टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। सत्ता हम होते हैं, मालिक आप नहीं हैं। मालिक आम नागरिक होता है, वोट हम देते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए। देने वाले से बड़ा मांगने वाला नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री भी हमसे मांगने आता है। सर, जिस तरीके से जनता का सुशांत सिंह राजपूत से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, क्या CBI को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये नज़र नहीं आते? सुशांत सिंह की ही बात नहीं है, यह आम जनमानस की बात है। दिल्ली में क्या हुआ था, निर्भया कांड में लोग जगे ना, न्याय मिला निर्भया को, देर से ही मिला। उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से निर्भया वाले केस में न्याय मिला, उसी तरह से सुशांत का भी मामले में न्याय मिले, ये उम्मीद कर रहा है देश। लेकिन इस मामले में जिस तरह से लिंगर ऑन हो रहा है, और जिस तरह से घुमाया जा रहा है, और जिस तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है, उस तरह से शक के दायरे में है CBI। सुशांत की बात यह है कि सुशांत आम आदमी था एक तरह से, और 2800 किलोमीटर का मामला है, कहाँ बिहार और कहाँ मुंबई। और 60 दिन लोग देखे तमाशा, मुंबई पुलिस का तमाशा देखे, महाराष्ट्र सरकार का तमाशा देखे, देख के जो परिस्थिति पैदा हुई, और जिस तरह से एक साधारण छोटी सी, क्या औकात थी रिया चक्रवर्ती की, आप जानते थे उसके पहले? पूछ के आइए आम लोगों से, कौन जाता था रिया चक्रवर्ती को? पूरी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, पूरी सरकार, पूरा रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाना पड़ा। क्या बात है भाई, मुंबई पुलिस चाहती तो सुशांत के मामले में 2 मिनट में हो जाता काम। लास्ट में CBI नियुक्त करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, उसमें भी अगर बिहार सरकार नहीं आई होती तब, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार पुलिस अगर मदद नहीं की होती, तो क्या सुशांत का मामला उछलता? लेकिन अन्याय के खिलाफ यह देश है, अन्याय के खिलाफ यह 130 करोड़ लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मुंबई से आके कुछ यूट्यूबर को उठा ले जा रही है, कल की सूचना है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, आम जनता कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि इसमें बड़ा नेता मुख्यमंत्री का बेटा है, बेबी पेंगुइन है, कौन नहीं जानता है। उसी को बचाने के लिए सारा कुकर्म किया जा रहा है, सारा पाप किया जा रहा है, सारा अत्याचार किया जा रहा है। नेता नेता होता है, वह खाकी वर्दी किसी बड़े बाप का बेटा हो गया तो उसके लिए न्याय, उसके लिए संविधान, उसके लिए कानून, उसके लिए व्यवस्था, वह जो चाहे वो करे, किसी के साथ बलात्कार कर दे, किसी को छत से फेंक दे, किसी का मर्डर कर दे, कितना भी मर्डर कर दे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए कि वह सत्ता का आदमी है, उसके ऊपर तुम भी लूटो हम भी लूटें, लूटे लूटने की आज़ादी है, और सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। वाह, कुर्ता पजामा पहन लिए तो जो चाहेंगे वह इस देश में करेंगे। वो आपको छूट है, आपको स्वतंत्रता है, आपको आज़ादी है, कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है। वाह, क्या लग रहा है सर, बिहार चुनाव को भी देखते हुए जांच की जा रही है? बिहार चुनाव में तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। अगर CBI फेल करती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव बिहार चुनाव पर पड़ेगा, बता दे रहे हैं। किस पार्टी? सब जो भाई, किसको पार्टी की क्या बात है, मूर्ख हैं लोग, देख नहीं रहे हैं। वहाँ के प्रभारी हैं फडणवीस जी, बिहार के प्रभारी हैं, और बिहार के प्रभारी जाके और वहाँ के शिवसेना से, कौन नहीं जानता है कि शिवसेना के बड़े नेता इसमें इस काम को प्रभावित कर रहे हैं। आज तक मुंबई पुलिस इतना फैल रही है, बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ के और बड़े बड़े काम कर दी, और इस छोटी सी चीज़ में क्यों फेल हो गई, क्या कारण था? मैं पूछता हूँ, क्या कारण था, कौन सा रीजन था? यह देश मूर्ख है, 60 दिन में कुछ नहीं निकला। NCB तो पकड़ रही है ड्रग वाले जितने हैं, ड्रग एडिक्टेड,
ये नशाखोर। अरे आज तो ये पता चला है कि जांच में एनसीबी के कि जितने ये बड़े बड़े कलाकार हैं, अरे कपूर खानदान, खान बंधु और ये जितने खन्ना, कौन कौन जो बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, है ना, उनके घरों में किलो किलो अफीम बेचते हैं भाई साहब। रखते नहीं हैं, सिर्फ चाटते नहीं हैं, बेचते हैं। हम आप कितने मूर्ख हैं कि भाई अगर छोटा भाई सिगरेट पी देता है तो जाकर तीन लपड़ मारते हैं, यह अफीम बेचते हैं। एनसीबी के जानकारी में है लेकिन अभी हाथ नहीं डाल रही है सबूत के चक्कर में। कैसा सबूत यार, उठा कर ले आओ उनको उठा के ले आओ, जोगी जी नोएडा में बना रहे हैं यही ले आओ, और सिर्फ चार चक्कर उनका सायरन वाला घुमवा दो, सब अपने आप उगल देंगे। रिया चक्रवर्ती तो गई जेल, दीपिका पादुकोण बता नहीं रही हैं, और कौन खान हैं वो नहीं, जितनी ये पकड़ी गई हैं ये सब बड़े बड़े वकील लोग, बड़े बड़े ज्ञानी, इनके पीछे लगे पैसा है भाई। कह रहा हूँ ना कि पैसे वालों का दोष नहीं है, जाके कह दिया कि हम क्या जानते हैं, चौट में क्या हैस है, गांजा नहीं हैस, माल है। आज माल टीवी पे देख रहा था, माल का मतलब रुपया, कि मैं तो रुपये की बात कर रही थी माल में, और हैस क्या है इनके घर, अब क्या बताऊं, ये डेली खाना से ज्यादा ये ड्रग लेते हैं, ये देश जान अब क्या कहूं। और मुंबई में तो मैंने हद है, मुंबई सरकार को शर्म नहीं आती है, उद्धव ठाकरे को शर्म नहीं आती है, मुंबई पुलिस को शर्म नहीं आती है, इतने बड़े बड़े घर। अरे बाप रे बाप, सुनिए, एम्बुलेंस में लाश के जगह पर ड्रग, यह देखिए, यह भी हमारे देश में होता है, कहीं हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये पूरा दिमाग लगा के वहाँ ड्रग पीने के लिए, तो इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इतना लिंगर आन क्यों हो। इसमें भी एक देखिए, वो अनुराग कश्यप है, एक महिला के महिला ने जाके FIR करा दिया, मुकदमा लिख गया और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस समय तक एक अभी थाने में चली जाए एक लड़की और जाके कह दे हमारे साथ छेड़छाड़ की है, 2 मिनट लगेगा, दिल्ली पुलिस उठा ले जाएगी, और 5 थप्पड़ मार के मुकदमा लिख के जेल भेज दे, अब तक पहुंच पता नहीं, लेकिन उसका क्या, उस पर के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, क्यों नहीं हो रहा है भाई। अनुराग कश्यप क्या संविधान से ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं, कि कौन 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 सी मजबूरी है, मुंबई पुलिस की क्या मजबूरी है। अब ये बात भी उठ रही है कि सुशांत को अगर न्याय में देरी होती है तो लोग अनशन के लिए भी सड़कों पर उतरेंगे। अनशन क्या कहे, अनशन करने की कहाँ जरूरत है भाई, हमारे पास वोट की ताकत नहीं है, हम वोट नहीं देते हैं, हम आम लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं समझते हैं, बिहार में चुनाव नहीं है, वोट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या बात करते हैं, उसके पास यूपी में चुनाव नहीं होगा, अभी दिल्ली में MCD का चुनाव नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो सकता है, चुनाव नहीं आएगा, यही तो सवाल है, यही तो देश जानना चाहता है, यही तो समझना चाहता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सिर्फ वर्दी बड़े बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है, हम ही लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कानून है। आप जो मर्जी होगा वो करेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से देश चलाएंगे। सत्ता आम जनता देती है, ये ऐसा ये पता होना चाहिए, यह टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। सत्ता हम होते हैं, मालिक आप नहीं हैं, मालिक आम नागरिक होता है, वोट हम देते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए, देने वाले से बड़ा मांगने वाला नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री भी हमसे मांगने आता है, देश का गृह मंत्री भी हमसे मांगने आता है, और मांगने वाला, भीख मांगने वाला, दान मांगने आते हो ना, मतदान तो, दान मांगने वाला कभी देने वाले से बड़ा नहीं होता है। इसलिए हम बड़े हैं, आपको माला पहनाते हैं,
इसलिए कि हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो उस माला को फूल के जगह पे जूता भी पहना देंगे। ये एहसास होना चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत, हमको न्याय चाहिए, इस देश को न्याय चाहिए, यह देश का आम नागरिक न्याय के लिए बेचैन है। बहुत हो चुका ड्रामा, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको जलेबी की तरह से घुमाइए मत, बहुत हो चुका, हमको न्याय चाहिए, नहीं तो सारी भारत सरकार की एजेंसियों से विश्वास उठ जाएगा।